नमस्कार दोस्तों, ऐसे रेडियोज़ के और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी डाउ जोन्स और एसजीएस निफ्टी के फीचर्स क्या कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे कि डाउ जोन्स करीबन 600 पॉइंट माइनस है और एसजीएस निफ्टी 150 पॉइंट माइनस है, यानी तुम्हारा पूरा पूरा गैप डाउन ओपन हो सकता है मार्केट हमारा। फ्रेंड्स, देखते हैं निफ्टी में वन डे की कैंडल क्या कर रही है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर देखोगे कि वन डे की कैंडल पूरे बेरिश बन गई है। कल का लो और आज का लो करीबन एक जैसे ही है, नज़दीक ही है, तो तुम्हारा क्या हो सकता है निफ्टी में। तो इसके लिए हम 50 मिनट का चार्ट लगा लेंगे फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे नो थ्रेडिंग जोन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने ड्रॉ किया है नो थ्रेडिंग जोन। आज उसका क्लोजिंग हुआ है 16682 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। और अगर टुमारो डाउन की साइड में निफ्टी 16624 निकालेगी तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 16560, दूसरा टारगेट आ सकता है 16480, और अगर अप साइड में 16720 निकालेगी निफ्टी तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16800, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 16850 के करीब। ओके फ्रेंड्स, आप यहां पे लगातार देखोगे कि निफ्टी गैप ओपन हुआ था आज, तो अभी मार्केट फिलहाल नेगेटिव साइड में ही है। फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी थी उसकी वजह से आज गैप ओपन हुआ, और यस्टरडे जो फेड का मीटिंग हुआ था अमेरिका में उसका थोड़ा इम्पेक्ट पड़ा है हमारे मार्केट में, इसकी वजह से आज गैप ओपन हुआ। वरना मैंने आपको जो कल लेवल दिए थे निफ्टी में कि डाउन की साइड में जाएगा, तो हो सकता है तुमर वो डाउन की साइड में जाएगा, और वन डे की कैंडल में उसका टारगेट बहुत ही लंबा आ सकता है। फ्रेंड्स, 16480 लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका भी ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में वो 16100 तक भी जा सकता है निफ्टी। तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या होगा। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का वन डे का हम चार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक सेटअप बताया है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका भी लिंक है। स्टॉक का सेटअप बताया है 15 मिनट में, आप उस वीडियो को पूरा देखो और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो तो आपको इसमें बेनिफिट 100% होगा। फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है SJTradersOne। आप टेलीग्राम में जाके SJTradersOne टाइप करोगे तो वो मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो आगे चैनल बनाया था वो गलती से मेरा पूरा डिलीट हो गया है, इसकी वजह से पूरे कॉन्टैक्ट निकल गए हैं। उसमें तकरीबन 150 जैसे मेंबर थे, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अभी। फ्रेंड्स, आइए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वन डे का। अगर कल का लो देखते हैं हम फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी 35127 था और आज का लो था 35133, यानी बहुत ही करीब है आज का उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर तुम और अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, वन डे के कैंडल में हम देखते हैं तो उसको एक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे 35020 पे। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो उसका सीधा टारगेट आने वाला है फ्रेंड्स, ये वाला 34000, ये पकड़ लेता हूँ मैं 34700, और दूसरा टारगेट आएगा 34300, और इसको भी ब्रेक करेगा तो बहुत टारगेट लंबा आने वाला है 32500। लेकिन आइए देखते हैं कल इंट्राडे में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का लेवल मैंने ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, हमारे लिए कल के लिए रेड जोन रहेगा, यानी नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स 35140 से लेके 35415। अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स कल 35140 ब्रेक करेगा तो डाउन की साइड में आएगा पहला था कि 35020, और यहाँ पे होल्ड करता है तो थोड़ा बाउंस बैक भी ले सकता है, और वहाँ से फिर से डाउन साइड में ये लेवल फिर से ब्रेक करेगा तो सीधा ताकि उसका निकल के आ रहा है 34700 से लेकर 34800। और अगर उसको भी ब्रेक किया तो 34300 उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स कल के लिए। और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर 34400 निकालेगा तभी हमें अपसाइड में बैठना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो 35400 निकालेगा और वहाँ पे 15-20-25 मिनट ट्रेड करेगा इस लेवल के ऊपर तो पहला टारगेट आ सकता है 35600, और दूसरा टारगेट आ सकता है 35750। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एडुकेशन
उसमें प्रॉपर से बनाता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।